हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोट्सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल एसेंशन टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूसिंग सोच रहा था कि मैंने एक स्पेशल कम्युनिकेशन रून को एक्सचेंज किया था उसके साथ जब हम लीव करने वाले थे। मेरे को पता था कि वो अपने अंकल के प्लेस पे जा रही है जो कि हुटियान सिटी में है। उसका जो अंकल है वो रूलर है सिटी का, तो उसके लिए टेक्निकली आसान होता जैसे वो असेंड करती। तो ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं शाउटआउट देना चाहता हूँ एसके इरफान को और रोहित मलिक को। रोहित मलिक भाई ने डिवाइन सी रियल्म की मेंबरशिप ली है जो कि 160 रुपीस के आसपास है। थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 258 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग बोलते कि मैंने न्यूज सुनी है, तुम कहाँ पे हो, अभी क्या हुआ? मिंग बोलते मैं अभी सिटी में और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन। लूजिंग चुप होता और बोलता वेट करो, मैं तुम्हें फाइंड कर लूंगा। लूजिंग फिर अपने हॉर्स पे बैठ जाता और जल्दी से मूव कर रहा होता है। फिर हमें टोंगलिंग रियल्म का हुटियान सिटी दिखाई देती है। लूजिंग जैसे एंटर करता है अंदर, वो बोल रहा था ये प्लेस तो कुछ ज्यादा बड़ा है, चलो मैं अपनी जेन्युइन एनर्जी रिपल से उसको सर्च करता हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था देखो ये तो रेयर फिनिक्स हॉर्स है। दूसरा बोल रहा होता है कि इसका ओनर तो मेरे को लगता है कोई रिच फेमस पर्सन है। लूजिंग फिर हॉर्स की तरफ देख रहा होता है। लूजिंग सोचता है कि ये जो हॉर्स है तो कुछ ज्यादा अटेंशन को ड्रॉ कर रहा है, पर ये बुरी बात है कि जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन है वो नहीं चाहता स्पिरिट बीस्ट को स्पिरिट बीस्ट बैग में डालने के लिए, वरना मैं इस हॉर्स को भी वहां पे डाल देता। वेल, एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने अपना राज जमाया हुआ है। फिर वो एक जगह पे पहुंचते हैं, आगे गेट टाइप होते हैं, वहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं। लूजिंग सोच रहा होता है कि कुछ पावरफुल प्रेजेंस आ रही है इसके अंदर से। क्या मू मिंगजू अंदर है? अंदर इम्प्रिजन्ड है वो। इसकी जो कम्युनिकेशन थी वो तो अंदर से ओरिजिनेट हुई थी, पर जो प्रेजेंस है और जो रिपल्स है अंदर वो सब कुछ छुपे हुए हैं। लूजिंग टच कर रहा होता दीवार को तो एक गार्ड बोलता है तुम क्या कर रहे हो। लूजिंग फिर अपने हाथ को हटा लेता और बोलता है कि मैं मू मिंगजू को ढूंढ रहा हूँ। वो गार्ड्स बोलते हैं एक दूसरे की तरफ देख के क्या? एक बोलता है कि कोई भी पर्सन वैसा नहीं है यहाँ पे। लूजिंग चुप होता है और फिर बोलता है कि वो अंदर है, मैंने अभी ट्रू इस मैसेज को सुना उसके। और फिर उस बात को छोड़ो, तुम्हारे रिएक्शन से पता लग रहा है कि तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में, है ना? एक गार्ड बोलता है बच्चे कोई ऐसी चीज ही होती है जिनमें तुम्हें अपने नाक को नहीं घुसाना चाहिए, वरना तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम को अपने सर के ऊपर ले आओ। लूजिंग बोलता है अब तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कैसी प्रॉब्लम? एक गार्ड बोलता है कि जो वुमेन है अंदर उसे रूलर ऑफ हुटियान सिटी ने चूज किया है, उसे एक कॉल्ड्रन की तरह यूज किया जाएगा किसी बिग शॉट के लिए जो कि लिंग वो होली लैंड का है। वो यहाँ पे इम्प्रिजन्ड है क्योंकि उसने रेजिस्ट किया था। बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सिटी के रूलर को ऐसे ही गुस्सा दिला सकते हैं? लूजिंग सोच रहा था गोल्डन अच्छा। फिर लूजिंग सोच रहा होता है कि मैंने सुना कि कुछ सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं जिससे तुम ऑपोजिट जेंडर की एनर्जी को ऑब्टेन करते हो और अपनी पावर को इंक्रीज करते हो, और जिस इंसान की एनर्जी को ड्रेन किया जाता है उसे गोल्डन एज अ गोल्डन रेफर किया जाता है, और जिनकी एनर्जी ड्रेन की जाती है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और फिर कभी भी वो कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं। लूजिंग बोलते हैं कि जो रूलर है सिटी का वो उसका अंकल नहीं है, वो ऐसी हरकत है कैसे कर रहे हैं इतनी घटिया सी? गार्ड बोलता है अब तुम्हें पता था तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरे को ये चिंता तुम्हारी कि अगर तुम नहीं जाओ तो मेरे को लगता है कि तुम फिर कभी जा भी पाओगे यहाँ से। लूजिंग उसकी तरफ घूर रहा होता है, बोलता है मुझे माफ कर दो पर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगा। लूजिंग पंच मारता दीवार को और जो पूरी दीवार होती है पूरे उस एरिया के अराउंड में वो टूट जाती है। वेल, इफेक्ट पड़ रहा होता है। मूमिंगजू को पता लग जाता है। लूजिंग एंटर कर जाता है अंदर और मूमिंगजू के सामने पहुंच जाता है। लूजिंग बोलता है मैंने तुम्हें फाइंड कर लिया है। मूमिंगजू लूजिंग का नाम बोल रही थी। गार्ड खांस रहा होता है, बोलता है कि इसके ऊपर ध्यान देना, इसे जाने मत देना अंदर। फिर गार्ड हैरान होता है, बोलता है कौन है? वेल, वो टूटी हुई दीवार को देखता है और बोलता है कि इसने तोड़ दी वो सारी गोल्ड लाइंस एक ही हिट में। वेल, दीवार में गोल्ड लाइंस होती हैं। मूमिंगजू बोलती है लूजिंग तुम डिवाइन सी रियल्म में पहुंच गए हो, ये तो बहुत ज्यादा नाइस है, मेरे को यहाँ पे नेचुरल एनर्जी से सेपरेट किया गया तो मैं यहाँ पे कल्टीवेट भी नहीं कर सकती हूँ। वेल, गोल्ड लाइंस उनके ऊपर रोक रहा था। लूजिंग बोलता है ये हैरानी की बात नहीं कि तुमने हेल्प मांगी मेरे से, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम्हारे जो अपने अंकल है वो तुम्हें इम्प्रिजन कर लेंगे, पर मैंने वो गोल्ड लाइन को तोड़ दिया, चलो लीव करते हैं। गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं ओए तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मूमिंगजू बोलती है चले जाओ यहाँ से लूजिंग, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे आए मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए और मेरे को फाइंड किया, पर मेरे जो अंकल है वो जल्दी वापस आ जाएंगे। लूजिंग उसके हाथ को पकड़ता है, बोलता है किसे फर्क पड़ता है, चलो मेरे साथ। गार्ड बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो यहाँ से? लूजिंग फिर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता और स्वॉर्ड गॉड्स को भेजता है वेल शैडोज को। वो दोनों जो शैडोज होती है वो उन दोनों मार्शल आर्टिस्ट को पंच मार के गिरा देती है। लूजिंग और मूमिंगजू बाहर जा रहे हो। मूमिंगजू बोलते हैं लूजिंग तुमने ऐसे चार डिवाइन सी रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट को एक ही इंस्टेंट में हरा दिया, तुमने ये कैसे किया? लूजिंग बोलता है भूल जाओ अभी के लिए, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले बाहर तो निकलते हैं। तभी ऊपर से एक लाइट जैसे आती है, वो एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो हंस रहा होता है और बोलता है मेरा फर्स्ट टाइम है कि कोई इंसान मेरी सिटी में ट्रबल कॉज कर रहा है। वो रूलर होता है हुटियान सिटी का, मू जिंगलून, वेल इसका अंकल। मूमिंगजू बोलती नहीं मेरे अंकल वापस आ गए हैं, ये गोड रियल्म स्टेट का मार्शल आर्टिस्ट है। लूजिंग बोलता है इसे इग्नोर करो, चलो हम बाहर चलते हैं। वो हॉर्स की तरफ जा रहे होते हैं, वो बैठ जाते हैं और ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं। लूजिंग हैरान होता है ऊपर की तरफ क्योंकि वेल वो पूरी सिटी उन्होंने बंद कर दी होती है। मूमिंगजू बोलती है तो इम्प्रिजनमेंट बैरियर है, हम फंस गए यहाँ पे। लूजिंग चुप होता है, बोलता है कि चलो नीचे जाते हैं और देखते हैं पहले। लूजिंग वहाँ पे फिर नीचे आ जाता है, आगे अंकल होता है। मूमिंगजू का अंकल
अंकल सोच रहा होता है कि इस बच्चे के पास कोई ना कोई बैकग्राउंड है, क्योंकि इसने एक फिनिक्स हॉर्स को भी टेम किया हुआ है। इसका जो प्राइस होता है वो बड़ा ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। अगर मैं मास्टर को दे दूंगा होलैंड की तो मेरा फ्यूचर ग्रेट हो जाएगा, पर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर मैं इसके जो स्पॉन्सर्स हैं जो इसे गिफ्ट दे रहे हैं उनको मैं गुस्सा दिलाऊंगा। तो वो मिंगजू का अंकल बोलते हैं, मिंगजू मैंने तुम्हें इतना ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट किया था, तुम भाग क्यों रहे हो? वो मिंगजू बोलती है, अंकल मैं तुम्हारे पास आई इतनी ज्यादा दूर से, पर तुम चाहते हो एज अ कॉल्ड्रन यूज करना मेरे को किसी और के लिए? मैं ऐसे कैसे करने दूंगी तुम्हें अपने साथ? उसका अंकल बोलते हैं, मिंगजू तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया अपर एलम में, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रूएलर है, मतलब जो सिचुएशन है वो बड़ा ज्यादा खतरनाक होती है जितना तुम्हें लगता है, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं अगर तुम गोल्डन बन जाओगे तो। पर ये कौन है तुम्हारे पीछे? लुजंग बोलता है, मैं असेंडेड हूँ जो इसके साथ असेंड हुआ था सेम टाइम पे, तो हम फ्रेंड्स हैं। तो तुम एक कैसे अंकल हो, तुम इतने सा गंदे कैसे हो सकते हो कि तुम अपनी नीज को सैक्रिफाइस करने लगे यहाँ पे? मिंगजू अंकल सोच रहे थे, अभी अभी असेंडेड हुआ ये, तो ये इतना भी ज्यादा मतलब खतरनाक नहीं होगा, कोई भी इसके पीछे नहीं होगा, तो ये घोड़ा मेरा होगा। वो हंसता और बोलता है, बच्चे ऑफ कोर्स मैं अपनी नीज का फ्यूचर हैंडल कर सकता हूँ, और तुम अभी अभी असेंड हुए तो मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ, कभी भी अपनी नाक को दूसरों की चीजों में मत डाला करो जब तुम अपर एल में पहुंच जाओगे तो, वरना तुम्हें बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। लुजंग बोलता है, क्या कैसा प्राइस? वो बोलता है कि तुम्हारी लाइफ ऑफ कोर्स। वो फिर गार्ड्स को बोलता है कि मार दो इसे। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। वो पांचों मार्शल आर्टिस्ट जा रहे होते आगे, तब लुजंग एकदम से सामने पहुंच जाता है अंकल के और उन सभी को एक स्ट्राइक में मार देता है। लुजंग बोलता है, तो अच्छा इस प्राइस की बात कर रहे थे तुम? वो अंकल बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है, सोच रहे कैसे पॉसिबल है, पीछे की तरफ रिट्रीट होता है। वो सोच रहे थे सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ डिवाइन सी रियलम में है, पर इसने सिक्स लेट डिवाइन सी रियलम के मार्शल आर्टिस्ट को एक इंस्टेंट में मार दिया, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं चीजें सही ढंग से देख रहा हूँ तो ये फर्स्ट ग्रेड डिवाइन वेसल है, और जो कोर जीनियसेस होते हैं लिंग वो होलैंड के, उन्हें भी इस तरह का मतलब ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। क्या ये सच्ची मुची असेंडेड ही है? पर जो मूमिंग्सू थी वो मेरे पास आगे सीधे माइंड से, तो ये हो ही नहीं सकता कि इसको कोई बिग शॉट मिले होंगे इतने ज्यादा कम टाइम में, तो इसका मतलब ये बच्चा सिर्फ टैलेंटेड ही है और किसी जो रिच पर्सन है उसकी आंखों में आ गया था, तो ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होगा अगर इसमें यहाँ पे मार दूंगा तो। वो बोलता है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है पर ये काफी नहीं है, तुम्हें थोड़ी देर में पता लग जाएगा मैं क्या बोलने लगा हूँ और क्या करने लगा हूँ। लुजंग बोलता है, अच्छा। लुजंग सोच रहा होता है गोड रियलम स्टेट का मार्शल आर्टिस्ट है, मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और आगे की तरफ शैडो गॉड्स को भेजता है। वो सारे शैडो गॉड्स उसके अंकल की तरफ जा रहे होते हैं, वो अपने स्पेयर से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और अपना अटैक यूज करता है और सारी शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है एक ही बार में। लुजंग सोच रहा होता है कि एक गोड रियलम स्टेट का मार्शल आर्टिस्ट डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर होता है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। मिंगजू का अंकल बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ। लुजंग सोच रहा होता है कि इसकी एबिलिटीज ऑलमोस्ट इक्वली हैं जो फाइव स्काई लॉर्ड्स मैंने पहले मिला था उनसे, मैं उनकी तरह, और ऊपर से इसको जो स्पेयर है वो पावरफुल लग रहा है मुझे। मिंगजू का अंकल बोलता है कि कैसे ट्रिक्स है तुम्हारे पास बची हुई? लुजंग आगे की तरफ देख रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, उन दोनों का क्लैश होता है और एक एक्सप्लोजन होती है दोनों तरफ से, वेल शॉकवेव्स रिलीज हो रही होती हैं। लुजंग ने उसके स्पेयर को रोक लिया होता है अपनी स्वॉर्ड से, फिर वो अपनी शैडो को रिलीज करता है। लुजंग की शैडो को एक ब्लड टाइप जो एनर्जी होती है अंकल की वो डिस्ट्रॉय कर देती है। लुजंग सोच रहा होता है, ये जो ब्लड वेपर से इन्होंने विंड ब्लेड और लाइटनिंग ब्लेड को कंज्यूम कर लिया। अंकल बोलता है, कोई भी यूज नहीं है, तुम्हारी जो एबिलिटी है वो सच्ची मुची डरावनी है एक डिवाइन सी रियलम के मार्शल आर्टिस्ट के लिए, पर जो तुम्हारा नॉलेज है पावर ऑफ लॉ के बारे में वो अभी बहुत ज्यादा कम है। लुजंग सोच रहा था, सही नहीं है, मेरे को थोड़ा और टाइम बाय करना पड़ेगा और थोड़ा सा एरिया मेंटेन करना पड़ेगा। अंकल बोलता है, तुम भागने की सोच रहे हो तुम्हारे सपने में? वो फिर अपने स्पेयर को एक्टिवेट करता है और एक रेड कलर की एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही होती है और एक नेट टाइप को फॉर्म करती है, लुजंग को उसमें बंद कर लेती है। लुजंग हैरान होता है, अंकल हंस रहा होता है, वो पूरी तरह से बंद हो गए होते हैं एक सर्कल टाइप में, वेल स्पेयर टाइप में। मिंगजू बोल रही थी, नहीं लुजंग ट्रैप हो गया। अंकल बोलता है, ये खत्म हो गया अब, ऐसा तो मुझे पता नहीं है कि तुम मैंने कैसे ऑब्टेन किया है फिनिक्स सोर्स को और फर्स्ट ग्रेड डिवाइन वेसल को इतनी जल्दी जैसे तुम असेंड हुए, पर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए क्योंकि वो सब कुछ मेरे होंगे। लुजंग सोच रहा होता है कि मेरे पास अब टाइम नहीं है चार्ज करने का, मतलब आगे की तरफ अटैक करने का, मेरे को लगता है कि अब मैं सिर्फ उसी को यूज कर सकता हूँ। लुजंग अपनी आईज को क्लोज करता है, अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करता है, उसकी स्वॉर्ड एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और आगे की तरफ जा रही होती है उसके अंकल के। उसका अंकल सोच रहा होता है, ये तो बड़ा अजीब है, ये जो स्ट्राइक थी सिर्फ रैंडम अटैक लग रहा था पर मेरे को इतनी ज्यादा खतरनाक सेंस की फील हुई इससे। वो जो अटैक होता है लुजंग का वो उसकी चेस्ट में लगता है, फिर उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो टूटने लग पड़ती है। वो बोलता है, क्या? उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लुजंग फिर वापस बाहर आ जाता है, बैरियर से नीचे पहुंच जाता है। मिंगजू बोलते है, क्या तुम ठीक हो? लुजंग बोलता है, हाँ, पर ये बैरियर अभी गया क्यों नहीं है? क्या वो अभी भी अलाइव है? वो जो उसका अंकल होता है मिंगजू का, वो बोल रहा होता है कि ये कैसा मॉन्स्टर है, ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? इसने एक ही स्ट्राइक में मेरी मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो मेरी डार्क ब्लड टेक्निक है वो मेरे को अलाउ करती है कि मैं एक ब्लड बॉडी को क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एक बॉडी को क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब बॉडी डबल को क्रिएट कर सकता हूँ, पर अब मेरी जो मेन बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो गई है उतना करने से पहले, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को हजार साल लग जाएंगे मेरी ओरिजिनल लुक्स में मेरे को आने के लिए। तो बोलते, रुको, मेरे को लग रहा है कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मास्टर शैन इस तरफ आ रहे हैं, मैं जल्दी से जाता हूँ और उन्हें न्यूज बताता हूँ, फिर मेरे पास चांस होगा मेरे को लगता है। वो ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है, तब जो मास्टर शैन होता है वो पीछे की तरफ नोटिस करता है, वो बोलता है कि तुम तो मुजिंगलुन हो, रूलर हो तुम हाउटियान सिटी के,
किस तरह का विचक्राफ्ट तुमने यूज किया कि तुम्हारी जो ये फॉर्म है ऐसी। वो बोलते कि मास्टर शैन प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी जो बॉडी है ओरिजिनल वो डिस्ट्रॉय कर दी एक ट्रबल मेकर ने जो कि हुटियान सिटी में है, पर वो अभी भी सिटी के अंदर ही होगा। मास्टर शैन बोलते अच्छा चलो मैं देखता हूँ फिर। मुमिंगजू का अंकल सोच रहा होता है कि ऐसे तो मास्टर शैन मुझे नहीं लगता कि मेरी हेल्प करेंगे, पर अगर मैंने कोई बेनिफिट्स दूंगा तो मुझे लगता है कि मेरी हेल्प करेंगे। लुजंग फिर ऐसे ऊपर वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है और उस बैरियर को कट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो जो बैरियर होता है वो टूट जाता है। मुमिंगजू बोलते क्या बैरियर टूट गया, पिछले साल में हुआ क्या तुम्हारे साथ, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। लुजंग बोलते चलो चलते हैं। लुजंग को फील आती है, पीछे की तरफ देखता है वो उसका अंकल आ रहा होता है और मास्टर शैन भी आता है। मुमिंगजू बोलती है अब हम क्या करें, ऐसा लग रहा है कि इसने किसी और स्ट्रॉन्गर को फाइंड कर लिया। लुजंग बोलता है ये ठीक है, हम किसी रास्ते को ढूंढ ही लेंगे और ऊपर से ये पर्सन तो। मुमिंगजू का अंकल बोलते हैं मास्टर शैन ये है वो, इसके पास फर्स्ट ग्रेड डिवाइन वेसल और एक फीनिक्स हॉर्स भी है, और ये जो वुमन है ये मैं कोल्डन की तरह आपके लिए प्रिपेयर कर रहा था। मास्टर शैन बोलता है क्या कोल्डन, तुम्हें किसने बोला कि मैं इस तरह की चीज को यूज करता हूँ। ये हैरानी की बात नहीं कि पीपल तुम्हारी सिटी में ट्रबल कॉज कर रहे हैं, मैं पहले जाता हूँ देखता हूँ, उन्हें जाने देना अगर कुछ हो नहीं है करने के लिए। मुमिंगजू का अंकल हैरान होता है। वो दोनों नीचे पहुंच जाते हैं। मास्टर शैन बोलता है तुम तो लुजंग हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लुजंग उसे ग्रीट करता है और बोलता है, वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा ही रहा था तो मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड को रेस्क्यू करने के लिए आ गया, वो ऑलमोस्ट सैक्रिफाइस कर दी गई थी उसके अंकल के द्वारा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ मास्टर शैन, प्लीज फिर खुद जज करना तुम। सो गाइस चैप्टर नंबर 258 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।